राजधानी रायपुर में अवैध हॉस्पिटलों का धंधा फल फूल रहा है और ऐसा अधिकारियों के साठ गांठ के बगैर संभव नहीं है। दरअसल रायपुर में 2321 स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहा है, जिसमें से 347 स्वास्थ्य केंद्रों को मान्यता प्राप्त है, तो वहीं 974 स्वास्थ्य केंद्रों बगैर मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को है, लेकिन मौन बैठे हैं। 1321 स्वास्थ्य केंद्रों में 230 डेंटल क्लिनिक है, जिसमें 36 को मान्यता है और 203 गैर कानूनी है। 303 नर्सिंग होम, जिसमें से 280 को मान्यता है, 22 गैर कानूनी है। 88 फिजियोथेरेपी सेंटर, जिसमें से 87 गैर मान्यता है और 1 को मान्यता है। 103 पैथोलॉजी लैब है, जिसमें से 87 बिना मान्यता और 16 मान्यता है। तो वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी आरके सोनवानी का कहना है कि ये बिना मान्यता सालों से संचालित हो रहा है, मापदंड के अनुरूप स्ट्रक्चर नहीं होने पर अनुमति नहीं मिली है, अब टीम बनाकर इस पर कार्रवाई की जाएगी। सोचने वाली बात ये है कि जहां स्वास्थ्य मंत्री से लेकर स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े अधिकारी यहां पे बैठते हैं, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध हॉस्पिटल का रैकेट चल गया। अब देखना ये होगा कि जानकर भी अनजान बैठे अधिकारी इस मामले पे किस तरह से कार्रवाई करते हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत।